Hello and how are you, dear students? I hope you are doing very well at your home in this course of COVID-19. So today I come up with the explanation of a very interesting chapter, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. In this chapter, the writer gives a detailed account of Richard Ebright as a young scientist. Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Searle-Chickering Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Richard Ebright नाम के जो young scientist हुए, उन्होंने Searle Scholar Award और एक दूसरा Chickering Plug Award Biochemistry और Molecular Chemistry Biology के लिए प्राप्त किया, और यह उनका बटरफ्लाइज के प्रति ही आकर्षण था जिस चीज़ ने उनके लिए साइंस का द्वार खोल दिया. सो नाउ वी स्टार्ट टू लर्न लाइन बाय लाइन. सो ओपन द टेक्स्ट एंड लेट्स स्टार्ट. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Writer कहता है कि 22 साल की उम्र में एक पूर्व भूतपूर्व वर्ष का सर्वोत्तम स्काउट ने अपने एक नए सिद्धांत की नया सिद्धांत क्या था थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स, मतलब कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, इसके सिद्धांत से वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. कहते हैं कि रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रिसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने अपने एक लेख के द्वारा, एक आर्टिकल के द्वारा की. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों का काम प्रकाशित किया था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग leagues at the age of 15 and hitting a home run, making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. ये ऐसा था कि खेलों में यह 15 वर्ष की आयु में ही बड़े मुकाबलों में भाग लेने के लिए, एक बड़े घरेलू लीग में भाग लेने और पहली बार बल्लेबाजी में होम रन बनाने के समान था. मतलब जब कोई पहली बार बल्लेबाज आकर के क्रिकेट में बहुत अच्छे रन बना देता है, तो वैसा ही कुछ था. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. कहता है कि रिचर्ड एब्राइट के लिए यह है उसकी विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में सफलताओं की एक लंबी कड़ी में पहली सफलता थी. And it all started with butterflies. और यह सब शुरू किससे हुआ? Butterflies से ही शुरू हुआ, तितलियों से ही शुरू हुआ. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. Richard जो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, an only child मतलब इकलौता बच्चा था, रीडिंग के उत्तर में पेंसिल्वानिया में बड़ा हुआ, मतलब पालन पोषण इसका हुआ, ग्रीव अप हुआ. देर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर. कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि वहां पर कुछ ज्यादा नहीं था कि जो मैं कर सकता था. आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन. कह रहा है कि मैं निश्चित तौर पर अकेले ही फुटबॉल या बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था, कीमत क्योंकि अकेला बच्चा था तो अकेले बच्चे की टीम बन नहीं सकती. बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स.
परंतु वहां पर एक चीज थी जिसे मैं कर सकता था, क्या? चीजों का संग्रह करना, कलेक्ट करना। सो ही डिड, और ऐसा ही उसने किया। एंड डिड ही एवर, और उसने लगातार और सदा ऐसा ही किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। कह रहा है कि किंडरगार्टन, जो एक बालवाड़ी जो होती है ना, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, वहीं से एब्राइट ने उसी दृढ़ निश्चय से तितलियों का संग्रह शुरू कर दिया जो उसकी सभी गतिविधियों में स्पष्ट रूप से झलकती है। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उसने रॉक्स भी, फॉसिल्स और कॉइन्स भी कलेक्टेड किए, संग्रह किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो मतलब खगोलविद होता है, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है। टू समथिंग स्टार गेजिंग ऑल नाइट। कह रहा है कि वह एक उत्सुक खगोलविद भी बन गया और कई बार सारी सारी रात तारों का अध्ययन करता रहता, उनको निहारता रहता, उनको गेज करता रहता था। कम टू द सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। कह रहा है कि शुरू से ही उसकी व्यग्र मतलब अति जिज्ञासा के साथ तेज दिमाग था उसका। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मतलब एक्सट्रीम डिजायर, और एक्सट्रीम डिजायर टू लर्न समथिंग, टू नो समथिंग। तो कह रहा है कि बचपन से ही, शुरू से ही उसमें व्यग्र जिज्ञासा के साथ तेज दिमाग था। ब्राइट माइंड मतलब शार्प माइंड, तेज माइंड, दिमाग। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी एक माँ थी जिसने उसका इंटरेस्ट और पैदा किया, किसमें? सीखने में, लर्निंग में। मतलब इसको लर्निंग के प्रति एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया इसकी माँ ने। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बोट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। उसकी माँ उसको ट्रिप्स पर लेके गई, मतलब सैलानी जहाँ पर जाते हैं ना कुछ दिखाने के लिए, उसके लिए उसने टेलीस्कोप खरीद दिए, माइक्रोस्कोप खरीद के दिए उसको, कैमरा और माउंटिंग मटेरियल्स जो होते हैं, या फिर अन्य जो इक्विपमेंट यानी कि साजो सामान जो होते हैं, वो सारे मटेरियल उसको खरीद के दिए। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरे कई तरीकों से उसकी मदद की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उसकी माता कहती है कि जब तक उसने स्कूल शुरू किया, उससे पहले तक केवल मैं ही उसकी एक साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद मैं उसके लिए घर पर ही फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को लेकर आती थी ताकि वो उनके साथ खेल सके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर। परंतु रात होते होते ही मतलब रात को केवल हम दोनों ही साथ में चीजें कर सकते थे, जो भी करना था, खेलना या कुछ भी। रिची वाज, वो उसे रिची करके बुलाती थी शॉर्ट में, वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड। कह रहा है कि रिची के फादर, जब रिची तीसरी कक्षा में था, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद रिची ही मेरी पूरी जिंदगी था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। कह रहा है कि रिची और उसकी माँ, उसकी मतलब वो जो लेडी थी वह, और उसका बेटा रिची, वो दोनों ही लगभग उस हर शाम को डाइनिंग रूम में अकेले टेबल पर बिताते थे। यानी कि शाम को, हर शाम को उसके फादर की डेथ के बाद, केवल वो दोनों ही डाइनिंग टेबल पर होते थे डिनर करने के लिए। इफ़ ही डिंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। यदि उसके पास चीज़ें नहीं मिलती कुछ करने के लिए, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मगर सीखने की चीजें। हिज मदर सैड, उसकी माता ने कहा। ही लाइक्ड इट, और वह इसे पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, और उसने स्कूल में टॉप ग्रेड प्राप्त किए, यानी कि प्रथम स्थान पर आया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। ऑन एवरी डे, प्रत्येक दिन, कह रहा है कि वो भी बाकी की चीजें जो दूसरे बच्चे करते हैं वैसा ही करता था।
हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, परंतु जब वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। कह रहा है कि जब वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, तब तक उसने अपने सराउंडिंग में जितने भी 25 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां थी वो सब कलेक्ट कर ली थी, ठीक है। और ये नीचे आपको एक लिस्ट गिवन है जिसमें उसने कौन कौन सी प्रजातियां कलेक्ट की थी अपने घर पर, वो सब यहां पर गिवन है, ये आप रीड कर लीजिए। आगे बोलता है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, उसने कहा कि शायद संभवतः यह उसका अंत होता, किस चीज का, बटरफ्लाई कलेक्टिंग करने की इस एक्टिविटी का। बट देन, परंतु तब, माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, तब ही मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब ला करके दी जिसका टाइटल क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, यानी मोनार्क नाम की जो तितली थी, एक्स जिसका नाम गिवन था मोनार्क एक्स, उस तितली की यात्रा, इस टाइटल की बुक मेरे को ला के दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, कह रहा है कि उस बुक ने जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका की तरफ कैसे प्रस्थान करती हैं, कैसे माइग्रेट करती हैं, ये चीज़ें जो बताती थी वो बुक, उस बुक ने ही उस छोटे से संग्रहकर्ता, ईगर मतलब उत्सुक, एक छोटे से उत्सुक संग्रहकर्ता के लिए साइंस का संसार के, वर्ल्ड ऑफ साइंस यानी कि इस विज्ञान के संसार के द्वार खोल दिए, मतलब उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली इस बुक को पढ़ने के बाद। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, पुस्तक के अंत में पाठकों को तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरक्वाहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरक्वाहर्ट के शोध कार्य के लिए तितलियों पर लेबल लगाने के लिए कहा गया था। मीन्स जो भी रीडर पढ़ें और पढ़ करके ऐसी तितलियां कहीं पर पाएं तो उन पर लेबल चिपका दें। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर यूरक्वाहर्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाला, टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। कह रहा है कि जल्दी ही क्या किया, एब्राइट की मां ने एक पत्र लिखा डॉक्टर क्वाहर्ट को और एब्राइट भी जल्दी ही ये लेबल चिपकाने लगा मोनार्क तितलियों के पंखों पर। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूरक्वाहर्ट। कोई भी व्यक्ति जिसे जो इस लेबल वाले लेबल लगी लेबल चिपकी मोनार्क तितली को देखे तो उसे वो लेबल हटा करके डॉक्टर यूरक्वाहर्ट को भेजने के लिए कहा गया था। मीन्स ताकि डॉक्टर क्वाहर्ट की जो स्टडी है उसमें हेल्प मिल सके। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, बेटा ये रीडिंग है जो रीडिंग, दिस इज ए प्लेस, ठीक है ना, ये कोई जगह का नाम है, पढ़ना ना समझे इसे, क्योंकि उसका जो ये साइंटिस्ट था एब्राइट, ये भी नॉर्थ ऑफ रीडिंग में रहता था, मतलब ये जहां पर पला बड़ा था वो, दैट प्लेस वाज नॉर्थ टू रीडिंग, ठीक है ना, तो ये एक प्लेस का नाम है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर, कहता है रीडिंग के आसपास तितलियां इकट्ठी करने का उपयुक्त समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह का होता है।
If you are going to chase them one by one, you will not catch very many. कह रहा है कि यदि तुम एक एक करके उन्हें पकड़ना चाहते हो, उनको चेज करते हो, तो तुम ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो अगला स्टेप एब्राइट के लिए क्या था कि एक झुंड का झुंड, मोनार्क तितलियों के झुंड का पालन करना. रेज का मतलब होता है पाल लेना उनको. सो द ने ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क. वो क्या करता कि एक वयस्क, या जो वयस्क फीमेल मोनार्क जो तितली है उसको पकड़ता, उसको उसने पकड़ा और क्या किया, टेक हर एग्स, उसके एग लिए एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. उसने क्या किया कि फीमेल मोनार्क के एग लिए, उनको उनको अपने जो उसका बेसमेंट था उसके घर का या कहीं का भी, उसके उसमें उन सभी को उनको पाला, रेज किया और उनको उनकी साइकिल जो उनका लाइफ साइकिल होता है ना, जैसे एग से क्या निकलते हैं कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर पिलर कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, और प्यूपा फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. तो इन सब का वो पालन करने लगा, वहां पर रेजिंग करने लगा अपने ही बेसमेंट में. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. और तब वो क्या कर देता, बटरफ्लाई के विंग्स पर टैग लगा देता और फिर उनको उड़ने के लिए छोड़ देता. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कहता है कि अनेक वर्षों तक उसका जो बेसमेंट था वो हजारों मोनार्क तितलियों का घर बना रहा, जो विकास के विभिन्न चरणों में होती थी, यानी कि लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में हो सकती थी वो. इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार. आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज. कहता है ब्राइट यहां पर कि आखिरकार अंत में मैं धीरे धीरे इस चीज में अपना इंटरेस्ट लूज करने लगा, यानी कि मेरी रुचि कम होने लगी इस लेबल लगाने वाले जो कार्य है ना इसमें. इट्स टीडियस, ये काफी थकाऊ था. एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और इसका ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था. एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जितने भी समय मैंने ये किया, ही लाफ्ड, वो हंसता है, ओनली टू बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड. उनमें से केवल दो बटरफ्लाई जिनको मैंने टैग लगाया था वही वापस दोबारा से पकड़ी गई. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और वो भी जहां पर मैं रहता था उससे 75 मील से ज्यादा दूरी पर नहीं पाई गई थी. कम टू द नेक्स्ट पेज. देन इन द 7th grade ही गोट ए हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज. जब वह 7th grade में हुआ, ही गोट ए हिंट, उसे एक हिंट मिला कि वास्तविक साइंस क्या है. वेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब वह एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर करता है तब उसे पता चलता है कि वास्तविक साइंस क्या है. बेटा काउंटी का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में स्टेट होती है ऐसे ही इंग्लैंड में या पश्चिमी देशों में काउंटी होता है, इसे प्रमंडल बोलते हैं हिंदी में, मीन्स जिनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, उसे काउंटी बोलते, एक टाइप का स्टेट ही होता है ये. एंड लॉस्ट, कह रहा है कि एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. कह रहा है कि जब मैं एक काउंटी मेले में एंटर हुआ और वहां पर क्या हो गया, मैं हार गया, लॉस्ट, यानी कि ये हर बार पहले क्या है कि नाम जीतता था छोटे छोटे मेलों में जब भी कहीं पर जाता, बट इस बार जब ये पहली बार काउंटी फेयर में गया और वहां पर लॉस्ट कर गया, मतलब लूज कर गया, हार गया, तब इसे पहली बार पता चला कि वास्तविक साइंस क्या है. इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग. कह रहा है कि यह सचमुच में एक दुखद अनुभव था कि वहां बैठे रहना उदास होकर के, कुछ भी न जीत पाना, जबकि अन्य सभी ने कुछ न कुछ जीता था. एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज. उसकी एंट्री थे ना, किससे उसने एंट्री की थी मेले में,
ये क्वेश्चन वन एमसीक्यूज में बन सकता है कि ए जो फ्रॉग के टिश्यूज हैं उनकी स्लाइड को शो किया था उसने, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसने उसको माइक्रोस्कोप में दिखाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। कह रहा है कि जो विनर है ना, इसने पाया कि जो विनर है उन्होंने क्या किया हुआ है कि वास्तव में रियल वास्तविक एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ना कि केवल साफ सफाई से डिस्प्ले कर रखा हो, सजावटी शो कर रखा हो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर वो कहता है कि ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स दैट ड्राइव्स रिचर्ड appearing, देखो ये बेटा एक बार दोबारा से इस लाइन को प्लीज देखिए, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। कह रहा है कि प्रतियोगिता की भावना जो रिचर्ड एब्राइट को गतिमान रखती थी, उसको एक्टिव रखती थी, पहले ही नजर आने लगी थी, ऑलरेडी मतलब उसमें अपियर होने लगी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। मैं जानता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे कुछ वास्तविक प्रयोग करना होगा, ही सैड, उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्ल्ड वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। कह रहा है कि जिस विषय के बारे में मैं सबसे अधिक जानता था वह था कीड़े मकोड़े, यानी कि इंसेक्ट, इन पर किया गया कार्य जो मैं पिछले कई वर्षों से करता रहा था, मतलब करता आ रहा था काफी समय से। सो ही रोट टू डॉक्टर यूर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टैक, स्टैक मतलब ढेर ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो कह रहा है कि इस वजह से मैंने डॉक्टर यूर्कहार्ट को सुझावों के लिए लिखा और फीडबैक के रूप में या प्रत्युत्तर के रूप में प्रयोगों के सुझावों का बड़ा सा ढेर मिला मुझे, उन्होंने मेरे को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सुझाए। दोज कैप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। कह रहा है कि इन सुझावों ने या इन एक्सपेरिमेंट्स ने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा और जो काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर हैं उनमें कई पुरस्कार परियोजनाओं या प्रोजेक्ट के लिए उनको उसको मार्गदर्शन भी दिया, यानी कि उसको कई आइडियाज मिले इन सब के प्रोजेक्ट्स के बारे में। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, कह रहा है कि उसके 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स वेरी फ्यू ईयर्स। कह रहा है कि अपनी 8वीं कक्षा की के प्रोजेक्ट के लिए ब्राइट ने वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली उस बीमारी का कारण ढूंढने का प्रयत्न किया जिससे प्रत्येक कुछ वर्षों से सभी मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं, मतलब कैटरपिलर है ना जो मोनार्क के, वो किसी वायरस के द्वारा मर रहे थे, उन पर इसने कुछ शोध किया। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. देखो इससे पहले एक लाइन छूट गई। Albright thought that disease might be carried by beetle. Albright ने सोचा कि ये बीमारी शायद beetle के द्वारा कैरी की जाती है, मीन्स ये जो वायरस है ये beetle एक इंसेक्ट होता है एक टाइप का, उसके द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो उसने क्या किया, He tried raising caterpillars in the presence of beetles. इसलिए उसने beetle की प्रेजेंस में ही इन मोनार्क के कैटरपिलर्स को रेज किया, पालन किया इनका। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, मगर वो क्या कहता है कि मुझे कुछ वास्तविक परिणाम नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड, मगर मैं आगे गया एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन, और मैंने आगे जा करके बताया और कहा कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया और इस बार मैं जीता। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs.
अगले साल की इसकी फेयर के लिए जो प्रोजेक्ट था, इसकी जो परियोजना थी वो क्या थी, किस पर थी, कि एक थ्योरी का अध्ययन करना जिसके तहत वॉइसरॉय बटरफ्लाई, ये एक टाइप की बटरफ्लाई होती है बेटा, वॉइसरॉय बटरफ्लाईज क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं, ठीक है ना, उनको उनकी नकल करती हैं। इस थ्योरी पर टेस्ट करना, इस थ्योरी को टेस्ट करना ही इसका नेक्स्ट ईयर का फेयर के लिए प्रोजेक्ट था। द थ्योरी वॉज वॉट वॉज दैट वॉइसरॉयज लुक ऑन द अदर हैंड लुक लाइक मोनार्क। देखो बेटा एक बार लाइन दोबारा, मैं एक लाइन स्किप कर गया। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। कह रहा है कि ये थ्योरी क्या थी, ये थ्योरी थी कि मोनार्क क्या, वॉइसरॉय बटरफ्लाईज क्या करती हैं, मोनार्क की नकल करती हैं दिखने में, अपीयरेंस में, क्योंकि मोनार्क तितलियां टेस्ट में बर्ड्स के लिए, टेस्ट में बर्ड्स जो खाते हैं ना उनके लिए टेस्टी नहीं होती हैं, खाने में उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वॉइसरॉय भी मोनार्क जैसा की जैसी नकल करने लगी। वॉइसरॉयज, और यही इस थ्योरी का टॉपिक था, वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, दूसरी तरफ जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज हैं उनका टेस्ट अच्छा था खाने में पक्षियों के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स विनर। तो कह रहा है कि वो ज्यादा जैसे मोनार्क जैसी अगर दिखेंगी तो कम संभावना हो जाएगी कि उसे खाया जाए डिनर के रूप में बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मोनार्क की कॉपी करने लगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफेक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। और एब्राइट का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रोजेक्ट था, वो इसी पर था कि ये देखना था कि क्या वास्तव में बर्ड्स मोनार्क को खाते हैं या नहीं। ही फाउंड दैट, और उसने पाया कि एक स्टारलिंग, एक बर्ड का नाम है बेटा, मछली खाने वाला बर्ड होता है, स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि एक स्टारलिंग पक्षी सामान्य पक्षियों का भोजन नहीं खाता है, जो अन्य पक्षी खाते हैं वो वाला नॉर्मली भोजन नहीं करता है वो। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। कह रहा है कि ये सभी मोनार्क्स को खा जाता जो भी इसे मिलते, यानी कि मोनार्क्स खाता था, मोनार्क बटरफ्लाईज को ही खाना पसंद करता था। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और कहा कि एब्राइट कहता है कि एब्राइट ने कहा कि आगे चल करके यह रिसर्च कुछ और लोगों के द्वारा की गई कि मोनार्क वास्तव में वॉइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क की कॉपी करती हैं, उसकी नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। और यह उसका जो इस बार का जो एक्सपेरिमेंट था या प्रोजेक्ट था जो मिस्टर एब्राइट का, यह फर्स्ट प्लेस पे आया जूलॉजी डिवीजन में, फर्स्ट पहले स्थान पर रखा गया, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में यह तृतीय स्थान प्राप्त कर सका। Come to the next page. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. High school में अपने द्वितीय वर्ष में Richard Ebright ने अनुसंधान कार्य शुरू किया जो उसे एक अज्ञात कीट, मतलब कोई इंसेक्ट हॉर्मोन की खोज की तरफ ले गया। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. कह रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से, प्रोक्स रूप से, यह उसे कोशिकाओं के जीवन के संबंध में नई सिद्धांत, न्यू थ्योरीज की तरफ भी ले गया, ठीक है ना। The question he tried to answer was simple.
What is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch pupa? वह प्रश्न जिसका उत्तर देने का उसने प्रयत्न किया था वो साधारण सा था, सिंपल सा था। क्या मोनार्क, जो मोनार्क का जो प्यूपा होता है उस पर छोटे छोटे 12 गोल्डन कलर के जो स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उनका पर्पज क्या है, ये उसका टॉपिक था। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये धब्बे मात्र सजावटी हैं, केवल ऑर्नामेंटल हैं। बट डॉक्टर यूर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, परंतु डॉक्टर यूर्कहार्ट इस पर विश्वास नहीं करता था। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग ए हॉर्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। कह रहा है कि इस जो इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए एब्राइट और विज्ञान के अन्य विद्यार्थी, मतलब एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, मतलब अन्य श्रेष्ठ विद्यार्थी को पहले एक ऐसा उपकरण बनाना था, डिवाइस, जो ये दिखाए कि धब्बे एक ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे थे जो कि तितली के पूर्ण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था, नेसेसरी था। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। कह रहा है कि इस परियोजना ने, इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को उस काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त करवाया, इसी प्रोजेक्ट ने, और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश दिलवाया। देयर ही वॉन देयर थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां पर जूलॉजी में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटेमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। कह रहा है कि उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में गर्मियों में काम करने का अवसर भी मिला। किसकी वजह से? जो उसने जूलॉजी में तीसरा स्थान प्राप्त किया ना, इस वजह से। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। कह रहा है कि हाई स्कूल के जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उच्च स्तर के जो प्रयोग हैं, रिसर्च हैं, वो जारी रखे, रिसर्च करने जारी रखे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. कह रहा है कि उस साल भी उसके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता, कहां पर? इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एट इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उसे इस साल भी गर्मियों में आर्मी के रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने का अवसर प्रदान किया। इन हिज सीनियर ईयर, कह रहा है कि वो अपने सीनियर वर्ष में ही वेंट टू ए स्टेप फर्दर, उस वो एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, विंग के जो स्केल्स होते हैं उनमें, ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं का उगाया, कोशिकाओं का मतलब जो उसके पंख की स्केल्स की जो सेल्स थी उनको ग्रो किया वहां पर, और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी, मतलब डेवलप होंगी, फिर ब्रेक होंगी, दो में विभाजित हो जाएंगी, एक से बढ़कर के दो, दो से चार, और विकसित होकर साधारण तितली के पंखों की जो स्केल्स होती हैं उसमें भी बदलेंगी, यदि उन्हें जो गोल्डन स्पॉट से निकलने वाले हार्मोन पर पाला जाए, यानी कि वो हार्मोन यदि इनको खिलाया जाए।
दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, कह रहा है कि और इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में प्रथम स्थान दिलाया, प्रथम स्थान जीता. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और कह रहा है कि उसने स्नातक होने के बाद अपने अपनी गर्मियों का जो समय था वो सैनिक जो आर्मी की जो लेबोरेटरी है और अमेरिका के कृषि विभाग की जो लेबोरेटरी है उसमें काम करते हुए गुजारी. समर का जो सीजन है ना वो समर वेकेशन. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन, फ्रेशमैन कौन होता है, फ्रेशमैन ईयर मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जिसमें आपका फ्रेशमैन ईयर वही होता है जो फर्स्ट ईयर होता है. एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. कह रहा है कि द फॉलोइंग समर, कह रहा है कि अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में चला गया. किस वजह से? मोर वर्क, और काम करने के लिए, ऑन द हार्मोन. अब प्रयोगशाला में चला गया क्योंकि जो गोल्डन स्पॉट से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर आगे का काम जो करना था ना उसको, उसकी वजह से और वहां पर चला गया और वो काम उसने किया. यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, प्रेस्कृत या उत्कृष्ट जिनको बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. कह रहा है कि प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन की जो केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी रासायनिक जो संरचना है उसको पहचान करने में सफल हो गया. ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी कि डेढ़ साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसके जूनियर साल के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को एक आइडिया मिला फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. उसको अपनी एक नई थ्योरी सेल लाइफ यानी कि सेल की लाइफ के बारे में एक नई थ्योरी के लिए उसे आइडिया मिला. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, ऑफ ए हार्मोन. यह आइडिया उसके दिमाग में तब आया जब वो केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहा, जो हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की जो एक्सरे फोटोग्राफ थी उनको देख रहा था, तब आया ये आइडिया उसमें. When he saw those photos, Albright didn't shout Eureka or even I have got it. कह रहा है कि जब उसने ये तस्वीरें देखी, ये एक्सरे फोटोज देखी, तब Albright Eureka कहकर चिल्लाया नहीं सिर्फ कि मैंने पा लिया, but he believed that, but उसे विश्वास हुआ. Along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's पजल्स. कह रहा है कि उस परंतु उसे विश्वास था या विश्वास हुआ था कि इन तस्वीरों ने उसे जीव विज्ञान के पहले का उत्तर दे दिया था. ठीक है ना, इस चीज का उसे विश्वास हो गया. किस चीज की पहले का, कौन सी पहले का उत्तर? How the cell can read the blueprint of its DNA? किस प्रकार से कोशिका यानी कि सेल उसके DNA के blueprint को read कर सकती है, पढ़ सकती है, जान सकती है. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. कह रहा है कि DNA एक प्रकार का substance होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो क्या काम करता है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम को कंट्रोल करता है. डीएनए का काम क्या है? वंशानुक्रम को कंट्रोल करना, हेरिडिटी को कंट्रोल करना. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यह सेल का स्ट्रक्चर और उसका कार्य निर्धारित करता है. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, जिंदगी का
जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज एंड इट इज इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग। एब्राइट and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. कह रहा है कि एब्राइट और उसका जो कॉलेज का जो रूममेट था उसका सहपाठी जैसे कह सकते हैं James R. Wong work all night पूरी रात भर कार्य करते रहे। क्या कार्य? तस्वीरें बनाते हुए और जो अणु जो हैं उनके प्लास्टिक के नमूने बनाते हुए उन्होंने पूरी रात भर काम किया। मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो मॉडल है ना प्लास्टिक का, वो बनाते हुए उन्होंने पूरे रात भर काम किया। क्या दिखाने के लिए? टू शो हाउ इट कुड हैपन, यह शो करने के लिए, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उन्होंने मिलकर के एक लेख भी लिखा बाद में जो इस सिद्धांत की व्याख्या करता था, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता था। सरप्राइजिंग नो वन हू न्यू हिम रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। कह रहा है कि सरप्राइजिंग नो वन, किसी को भी मतलब इस चीज से आश्चर्य की बात नहीं थी, किसी के लिए भी जो भी उसे जानता था उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि उससे यह बात मालूम नहीं हो कि रिचर्ड एब्राइट हॉवर्ड में 1510 विद्यार्थियों की कक्षा में उच्चतम सम्मानों के साथ द्वितीय स्थान पर स्नातक हुआ था, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए ग्रेजुएट हुआ था। एब्राइट went on to become a graduate student research at Harvard Medical School। और अब वो क्या कहाँ गया? इसके बाद आगे चलकर एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बना आगे चलकर के। वो देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थियरी, वहां अपने सिद्धांत को जांचने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए उसने प्रयोग करने शुरू कर दिए। इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, यदि यह थ्योरी सही प्रूव होती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, और यह कुछ इस प्रकार के कैंसर, दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी नए विचार प्रदान करेगा या उनकी रोकथाम के लिए कुछ खोज करेगा, न्यू आइडियाज मिलेंगे। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब इसलिए संभव हो सका, किस वजह से संभव हो सका? एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से संभव हो सका ये सारी चीजें। एब्राइट में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी ना बचपन से ही, उस वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। कह रहा है कि उसके जो हाई स्कूल के जो शोध कार्य थे मोनार्क प्यूपा के धब्बों के रीजन, उनके उद्देश्य, उनके पर्पस पता लगाने के संबंध में, उसे कोशिका जीवन के संबंध में उसके नए सिद्धांत की तरफ ले गई, वही कार्य जो हाई स्कूल में उसने किए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। कह रहा है कि रिचर्ड एब्राइट तब से ही विज्ञान में रुचि रखता आया है जब से उसने सबसे पहले तितलियां इकट्ठे कलेक्ट करनी शुरू की थी, परंतु इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास अन्य रुचियों के लिए समय ही न हो, यानी कि उसका इंटरेस्ट केवल साइंस में ही नहीं था, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भरपूर पार्टिसिपेट किया। देखिए आगे,
एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट होता है एक प्रकार की नाव होती है, उसका उसको चालन करने वाला नाविक कह सकते हो या नौका चालक. एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन. कह रहा है कि जो एब्राइट था वह एक सर्वोच्च वाद विवाद करने वाला, सार्वजनिक रूप से एक स्पीकर, अच्छा वक्ता और एक बहुत अच्छा नाव चलाने वाला और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति बन गया. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. कह रहा है कि वो एक कुशल फोटोग्राफर भी है, विशेषकर प्रकृति की और प्रदर्शित वैज्ञानिक वस्तुओं की फोटो लेने में, मतलब जो जो साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित जो फोटोग्राफी होती है ना उसमें भी वो काफी इंटरेस्टेड है. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट स्टूडेंट. स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब ए ग्रेड प्राप्त करने वाला. कह रहा है कि हाई स्कूल लेवल पर रिचर्ड ए ग्रेड प्राप्त करने वाला विद्यार्थी था. बिकॉज लर्निंग वॉज इजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. कह रहा है कि क्योंकि सीखना सरल था, उसने अपनी बहुत सी शक्ति जो एनर्जी थी वो किस की तरफ लगाई, उसने डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस नाम के दो क्लबों की तरफ लगा दी. मतलब वो इनमें भी काम करता था, सोशल वर्क्स. ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर. अब उसे उसकी प्रशंसा करने वाला भी कोई मिल गया था जिसका नाम था रिचर्ड ए वेहरियर. रिचर्ड ए वेहरियर नाम का व्यक्ति जो एक सामाजिक सोशल स्टडीज टीचर, जो उसकी सामाजिक अध्ययन का अध्यापक था. एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. जो उसके दोनों जो उसने क्लब ज्वाइन कर रखे थे उनके लिए उसका एब्राइट का एडवाइजर भी था, जो यह उसका एक अच्छा प्रशंसक बन गया. किसका? एब्राइट का. मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. तब उस समय मिस्टर वेहरर मेरे लिए परफेक्ट व्यक्ति था. He opened my mind to new ideas. कह रहा है कि वो एक प्रकार से मेरा सलाहकार तो था ही, उसने मेरा मन नए विचारों के लिए खोल दिया. मतलब मेरे माइंड में नए आइडियाज डाल दिए. एब्राइट ने ऐसा कहा. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेहरर सेड. मिस्टर वेहरर ने कहा कि रिचर्ड में प्रतियोगिता की भावना. काम पर हूं मैं रिचर्ड कॉम्पिटिटिव वाला नहीं. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. कह रहा है कि रिचर्ड सदा अतिरिक्त मेहनत लगाया करता है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करता है. मिस्टर वेरर ने कहा. व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो मुझे अच्छा लगा या प्रशंसा जिससे मुझे खुशी मिली वो क्या था? हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट. कह रहा है कि जिस बात से मैं प्रसन्न हूँ, प्लीज्ड हुआ हूँ, वह यह थी कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो रात के समय अपनी तितलियों और अन्य रुचियों के संबंध में जो रिसर्च करने के साथ जो भी उसकी रिसर्च कार्य थी तितलियों के संबंध में वो तो करता ही था, उनके साथ साथ वो वाद विवाद यानी कि डिबेट के संबंध में रिसर्च और अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके संबंध में भी रिसर्च के लिए 3-4 घंटे व्यतीत करता था, बिताता था. इस वजह से मैं सबसे अधिक खुश था. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. रिचर्ड में प्रतियोगिता की भावना थी. मिस्टर वेरर कंटिन्यूड. मिस्टर वेरर लगातार कहता रहा. बट नॉट इन ए बैड सेंस. परंतु एक बुरे रूप में यानी कि नेगेटिव सेंस में नहीं है. उसमें कॉम्पिटिटिव भावना किसी की जलन की वजह से नहीं थी. बट ही एक्सप्लेन्ड. उसने क्या एक्सप्लेन किया? रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज. कह रहा है कि रिचर्ड जीत
के लिए जीतने में रुचि नहीं रखता था या फिर प्राइज प्राप्त करने के लिए ही जीतने में रुचि नहीं रखता था, इसके अलावा रादर बल्कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वह इसलिए जीतता था क्योंकि वह चाहता था, वह क्या चाहता था कि जितना अच्छा वो कर सके, जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सके, जितना अच्छा वो कार्य कर सके, वो करना वो दिल से चाहता था ऐसा करना, इस वजह से वो जीतता था। फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, कह रहा है कि वो सही कारण की वजह से सर्वोत्तम बनना चाहता था, बेस्ट बनना चाहता था सही रीजन की वजह से। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब होती है किसी चीज की सामग्री, किसी चीज की बनने की सामग्री, बनाने की सामग्री जो होती है ना, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही चीज एक अच्छा कुशल वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में से आवश्यक सामग्री है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कह रहा है कि शुरू करो एक फर्स्ट रेट का मतलब होता है बेटा अच्छी क्वालिटी का, उत्तम किस्म का, उत्तम किस्म के दिमाग से या उत्तम किस्म के मन से शुरुआत करो। एड क्यूरियोसिटी उस चीज में, फिर उत्सुकता को ऐड करो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और इसमें किस चीज का मिक्स करो, इस चीज में अपनी इच्छा शक्ति को मिलाओ, जो सही कारणों से जीतने की जो आपकी इच्छा है अंदर की, सही रीजंस के लिए जीतने की जो इच्छा शक्ति है, आपकी डिजायर है अंदर की, उसको इस चीज में मिक्स कर दो। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट में यही गुण है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कह रहा है कि जिस समय से पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके सामने विज्ञान का संसार खोला था या उसने उत्सुकता जगाई थी, रिचर्ड एब्राइट ने कभी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता नहीं खोई है उसके बाद, मतलब उस बुक के बाद उसमें जो उत्सुकता पैदा हुई थी उसको कभी जिंदगी में खोने नहीं दिया उस उत्सुकता को। तो बेटा दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इससे हमें यही लर्न करने को मिलता है कि एक अच्छा वैज्ञानिक, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। सबसे पहला है फर्स्ट रेट माइंड, उच्च किस्म का दिमाग या मन। सेकंड है क्यूरियोसिटी, और थर्ड है विल टू विन, इच्छा शक्ति जीतने के, फॉर द राइट रीजन, अच्छे रीजन के लिए जीतने की इच्छा शक्ति। बेटा इन तीनों चीजों को अच्छे से आप पढ़ लेंगे इस लास्ट पैराग्राफ में। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।